दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप HQ बॉलीवुड न्यूज़ की कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। दोबारा स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल HQ बॉलीवुड न्यूज़ में और मैं हूं हारिस कुरैशी। तो गाइस, बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, 100% कंफर्म हो चुका है कि राहुल ढोलकिया ने फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी यानी एक्सिल एंटरटेनमेंट से हाथ मिला लिया है एक प्रोजेक्ट के लिए। और वो प्रोजेक्ट हो गया, राहुल ढोलकिया उस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करेंगे और वो मुंबई के फायर फाइटर्स पे वो स्टोरी बेस्ड होगी। तो यहाँ पर राहुल ढोलकिया ने यही कहा है कि जब भी मैं कास्ट अनाउंस करूंगा तो कोई ए लिस्टेड एक्टर ही होगा। तो गाइज, यहाँ पर मुझे ये लगता है कि शाहरुख खान सर को ये फिल्म करनी ही चाहिए। और क्या पता ये शाहरुख खान सर ये फिल्म कर लें, क्योंकि मेरे मुताबिक अगर ये शाहरुख खान सर फिल्म करते हैं, मेरी पर्सनल चॉइस के मुताबिक, वो सत्ते पे सत्ता और इंस्पेक्टर गालिब दोनों से बेटर फिल्म होगी अगर शाहरुख खान सर ये फिल्म चूज कर लें। क्योंकि हमें राहुल ढोलकिया और शाहरुख खान सर दोनों पिछली फिल्म में देखने को मिले थे और वो फिल्म थी रईस। और रईस एक ऐसी फिल्म थी शाहरुख खान की, तीन चार फिल्म जो सालों में आई हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मुझे रईस लगी थी। सिर्फ मेकर्स की डेट की जो स्ट्रेटेजी थी, जो ईद से हटा दी थी, वो मुझे ख़राब लगी थी और उसी ने ही फिल्म के कलेक्शन को इफेक्ट करा था। वरना रईस एक ऐसी फिल्म थी जो ऑडियंस चाहती है शाहरुख खान से। शाहरुख खान का वो लुक, वो एटीट्यूड, शाहरुख खान का वो नेगेटिव शेड, वो ही चाहती है। और मैं यही चाहता हूँ कि शाहरुख खान सर को ये फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि हमें एक हीरो वाली इमेज इस फिल्म में देखने को मिलेगी अगर शाहरुख खान सर ये फिल्म करेंगे। ना कि ऐसा कि शाहरुख खान की वैल्यू कम रहेगी, एक हीरो वाली, रियल हीरो वाली इमेज हमें देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो सलमान भाई वो भी बिजी हैं, अक्षय कुमार के पास 5-6 फिल्म हैं, और आमिर खान वो भी फिल्म करेंगे, वो चड्डा लाल सिंह कर रहे हैं। तो राहुल ढोलकिया ने कहा है कि वो ए लिस्टेड एक्टर को लेंगे, तो ये चांसेस बढ़ते हैं कि शाहरुख खान सर इस फिल्म को कर सकते हैं। और मैं यही चाहूंगा, मेरी पर्सनल फीलिंग यही है कि शाहरुख खान सर इस फिल्म को करें। ये फिल्म 100% होगी, अगर शाहरुख खान सर नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन ये फिल्म 100% होगी। मैं यही चाहता हूं कि शाहरुख खान ये फिल्म करे। पे सत्ता और इंस्पेक्टर गालिब, इन दोनों से बढ़िया चॉइस मेरे अकॉर्डिंग यही वाली फिल्म है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। और गाइज, डॉन 3 मत लिखना, क्योंकि डॉन 3 नहीं आने वाली। इतना मैं लिख कर दे सकता हूं कि आने वाली फिल्म, शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डॉन 3 नहीं होगी, कोई दूसरी ही होगी। ठीक है गाइज, आपको क्या लगता है जल्दी कमेंट सेक्शन में राय दें। मैं इंतजार कर रहा हूं आपकी कमेंट्स देखने के लिए कि आपके क्या क्या राय है। ठीक है गाइज, मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना।